it is a 5-year degree with which it's like cheaper, like several times cheaper. Yeah. You're paying, well, $60,000 in America versus in US dollars, whereas over here, well, $12,000 to $15,000 depending on which university you go. क्योंकि मुझे पता चला ये private college है तो यहाँ का fee structure भी बता दें. काफी सारे लोग हमसे ये पूछेंगे कि fee structure क्या है. और यार हम बहुत तरसे हुए हैं. We can go anywhere we want to. So मतलब एक तरह का dating spot बन जाता है ये भी. Yes, बहुत सारे couples होते हैं. तक आपको ये नहीं पता होगा कि Air University के अंदर एक FMC भी है. हमें भी आज ही पता चला है, तो अब हमें FMC के लोंडे मिले हैं, उनसे जाकर पूछते हैं कि FMC है क्या और इसमें लाइफ कैसी चल रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम? अहमद. और आपका नाम? शहीर. अहमद शहीर, यार मुझे ये बताओ कि FMC क्या है भाई? फजाइया मेडिकल कॉलेज. फजाइया मेडिकल कॉलेज. तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं? MBBS अभी फ़िलहाल तो यही चल रहा है. MBBS डॉक्टर्स हमें मिल चुके हैं, तो आप इन डॉक्टर्स से पूछते हैं यार FMC के लोगों से हम मिले इतने रूड क्यों हैं? सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ज़्यादातर लोगों में. अच्छा, ये तो नहीं कह सकते कि यार मेडिकल के स्टूडेंट हैं, स्टडी में दब गए. ये भी है. अच्छा, दुखी परिंदे सारे बैठे हैं. पूरी ज़िंदगी अम्मा अब्बा से दबे रहते इधर में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं. अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि आप मेरे साथ साथ आ जाए, करीब आओ यार. ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा ईयर चल रहा है यहाँ पर? मेरा सेकंड ईयर. और आपका? सेकंड. अच्छा, आप मुझे बताओ कि FMC के अंदर आपकी लाइफ कैसी जा रही है? गलती से इधर ना आना, पहले बता रहा हूँ. आओगे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी. हाँ तो तू बता यार. बस उसके आगे 3-4 गालियाँ लगाते हैं. कौन कौन सी? बस सही है. सही है. अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम जैसे BBA होते हैं, बड़ा चिल होता है, ठीक है, और साथ में आप लोग यहाँ पर MBBS कर रहे हैं, तो उन लोगों को देख के कुछ फीलिंग तो आती होंगी? जी होती हैं. मुझे लगता है वो यूनिवर्सिटी नहीं आते, पार्टी करने आते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो आपका नाम क्या और कौन सा ईयर है? जी मेरा नाम अनस तारिक है, मैं सेकंड ईयर में हूँ इधर FMC में. अनस, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं दिल से जो पूछना चाहता हूँ कि FMC के स्टूडेंट्स इतने रूड क्यों होते हैं? यार रूड नहीं होते, बस ना इधर समझते हैं MBBS कर रहे हैं, वाइट कोट पहन लिया तो बस हम ही बड़े लोग हैं, सबसे बड़े हम ही हैं यहाँ, जिंदाबाद हैं हम, बस हम जेकान सीख रहे हैं. यार इधर ना यही सीन है, इधर असल में जो जिस डिपार्टमेंट में ना वो उधर का शेयर बना फिर रहा है, इधर कोई सीन ही नहीं है. MBBS में भी यही सीन है, बाकी डिपार्टमेंट भी यही सीन है, आपको कहीं भी चले जाओ आपको मिल जाएंगे इस तरह के लोग, और अच्छे भी हैं बुरे भी हैं. अब तक आपकी लाइफ कैसी जा रही है FMC में, थोड़ा एक्सप्लेन करें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको. यार जो सीधी सच्ची बात है ना, 2 साल गुजर गए, ठीक है, कोविड में गुजरे हैं. एक तो वैसे ही एयर यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें, ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर तो हमारा है ही नहीं, ठीक है, 2 साल हमने गुजारे हैं, पेपर दे के फट गई है, बस दे रहे हैं, अभी भी चल रहा है कोविड, अभी भी चल रहा है, ठीक है. अभी जिम का अभी इन्होंने खोला है, आज जाके ज्वाइन करना है. जब से यूनी खुली है 4 हफ्ते हो गए यूनी खुले हुए, अभी तक जिम नहीं इन्होंने खोला हुआ था, अभी बाकी डिपार्टमेंट आए, अभी हमारे लिए भी जिम खोल दिए, बस वही. अच्छा ये क्या सीन है, एयर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मेडिकल वाले हमें पूछते ही नहीं है फजूल, और मेडिकल वाले कहते हैं कि एयर वाले हमें नहीं पूछते, ये क्या सीन है? यार सीन कुछ ऐसा ना, फिर जो अच्छे उधर के वहाँ अच्छी है वो हमें नहीं मिलती, और जिधर की वहाँ अच्छी है उधर नहीं मिलती, बस ठीक है वही चल रहा है, बस ना यकी इधर भी लग रही है यकी उधर भी लग रही है. ये मैं भी मानता हूँ FMC वाले हैं बीच में बड़े. हाँ तो जो लोग ये कहते हैं ना कि यार FMC वाले बहुत एटीट्यूड है उनमें या एयर वालों में है, तो ये देख लें, दोनों दोस्ती करना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो आपस में मिलें, बातचीत किया करें. FMC में भी अच्छे लोग हैं और एयर में भी. सही बात है यार. दूसरी बात ये है ना, FMC में आपको उस तरह की बॉयजिंग नहीं मिलेगी, आपको लोंडे नहीं मिलते वहाँ पे, लड़कियाँ भी नहीं है यार, लड़कियाँ भी बड़े, मैं क्या बोलूँ आपके सामने, मगर वही है कि बॉयज़ को ये सही जो पार्टी वाले होता है ना, बंदा बैठता है लोंडो में बैठता है माहौल बनाता है, वो इधर नहीं है. बाहर से बंदा जाके जी बैरिया जाके बैठना पड़ता है दोस्तों के साथ, इधर कभी इस्लामाबाद जाके इधर कोई लान नहीं कोई पूछता इधर. तो जो एयर के लड़के हैं यार, पूछा करो भाई को यार क्या कर रहे हो. बड़े तरसे हैं यार, हम बहुत तरसे हुए हैं, आओ कभी. लड़कियाँ होते हुए भी ये लोग तरसे हुए हैं, क्यों? लड़कों के लिए, और आप लोग कदर नहीं करते एक दूसरे. बात है ठीक है, लड़कियाँ नहीं चाहिए हमें, लोंडे दे दो हम खुश हैं, मैं जिंदाबाद, कोई मसला नहीं है. मैं इधर हूँ ना, मैं आपसे मिला करूँगा, आपका दोस्त हूँ आज, टेंशन ही नहीं है, जिंदाबाद. Despite the degree in the US being more seen, perceived as more prestigious, MBBS degree is cheaper. Oh my goodness, there's so many people over here. Hi guys. Oh, sorry. They're just here to support you. Oh, thank you. It is a 5-year degree with which it's like cheaper,
like several times cheaper. Yep. You're paying, well, $60,000 in America versus in US dollars, whereas over here, well, $12,000 to $15,000 depending on which university you go. Mere khandan, like my entire family, it lives over here, so it's like you get to visit family and stuff like that, so that's something that's different. So how's your life so far in FMC? Kaisa ja raha hai aapka experience? Achhi hai. The system is a little bit different because you have to write your papers more. So it's like I'm not used to that type like written paper aspect. Yeah. So how are people here? Awam kaisi hai yahan ki? Awam bhi achhi hai, bas I mean it depends on who you surround yourself with, what type of people you tolerate. Air ke students ka kaise hain? Do you have any interaction with the students of Air? Ji bilkul, they're very interesting individuals, all very unique. I have a few friends from the each department, the business department, comp sci, but a lot of them are graduated now. You're first person who's not first, probably third, who's really nice. Iske alawa FMC ke kafi log rude hote hain, so I think that's a perceived notion. A lot of these kids are just like are very frustrated. I think it's just more like, well, they're very like kind of like scared at a moment because it's like okay. There's not a lot of interaction between Air University students and FMC students, especially the last 2 years because of COVID. Usually during sports week and culture night, we have a lot more interaction, and so that's where I met most of my Air University friends. बहुत मेहनत करने के बाद हमें एक और डॉक्टर मिले और इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ यहाँ पर कैसी चल रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मोहम्मद अहमद. मोहम्मद अहमद, यार ये बताओ कि एफएमसी में आपकी लाइफ कैसी चल रही है, और सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, यहाँ पर यार सारे लोग इतने रूड क्यों हैं? इतने रूड क्यों हैं? क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी होती है. मैं सिर्फ लाइक 15 टू 20 मिनट्स की ब्रेक होती है, उसके बाद हॉस्पिटल जाना होता है. लाइक वेरी बिजी. अच्छा, बिजी होने की वजह से बंदा रूट हो जाता है क्या? यस, हमारी 8 to 3 हमारी क्लास होती है कंटिन्यूसली, तो उस वजह से शायद रूट है. और कोई इंट्रैक्शन भी नहीं है कोई बाकी डिपार्टमेंट के साथ. नहीं, तो डॉक्टर को तो बहुत पोलाइट होना चाहिए, उसको रूट तो होना नहीं चाहिए. आप मेरे पेशेंट बनेंगे तो मैं बहुत पोलाइट होऊंगा आपके साथ. नहीं, पेशेंट के साथ नहीं, नॉर्मल लोगों के साथ. आप मेरे से बात कर रहे हो पोलाइट. हमें कुछ लोग मिलते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, पोलाइट होते हैं. तो आपकी एफएमसी में लाइफ कैसी जा रही है? एफएमसी इज़ वेरी गुड. अच्छी लाइफ जा रही है. अब जब मेडिकल में आते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो हमें रोज़ मेहनत करनी पड़ती है. उसके बाद लाइक अच्छी लाइफ जा रही है. अच्छा, आपके साथ यहाँ पर साथी पड़ोस में हमें पता चला कि एयर यूनिवर्सिटी के साथ MBBS वाले हैं, तो वहाँ पर चिल लाइफ होती है, जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, BBA हो गया, तो उन लोगों को देख के कभी ऐसा लगा कि आप लोग मुसीबत में आ गए? हाँ, मुझे फील होता था जैसे आजकल फ्रीलांसर ऑनलाइन कमा रहे हैं. ठीक है, लाइक वो अभी हमारी एज के और वो लाख से ऊपर कमा रहे हैं. थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था कि हमें भी करना चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ इतनी बिजी हम कर नहीं सकते. लेकिन अब जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो पेशेंट से मिलते हैं, अब जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो पैसे कमाने से ऊपर है या चिल करने से ऊपर है. अच्छा, पहले आपका मोटो था पैसे कमाना, लेकिन अब आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया? अब मेरा प्रोस्पेक्टिव है कि मुझे ज़्यादा आए, मुझे ज़्यादा नॉलेज हो मेरे पास, मैं अपने पेशेंट को चीज़ का ट्रीट कर सकूँ. जब मैं वहाँ ट्रीट नहीं कर पाता या देख नहीं पाता, तो फिर मुझे अपने आप को इंसल्ट फील होती है. अगर मैं कर पाऊँ तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है. ओके, तो आप यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट न्यू आना चाह रहा हो FMC में, तो उसको क्या पैगाम देंगे? आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि यहाँ पे आएँ. ऑल्दो ये नया कॉलेज है, बट इट्स वर्किंग वेरी हार्ड. टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं. इंशाल्लाह जल्दी यूनिवर्सिटी यहाँ चली जाएगी फिर. अच्छा यार, एक क्वेश्चन और यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता चला ये प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी बता दें. काफ़ी सारे लोग हमसे ये पूछेंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है. फीस स्ट्रक्चर आई गेस इस साल है 12,62,000 पर ईयर. आप 13 लाख लेकर यहाँ पर आना, और बाकी खाने पीने के तो एक्स्ट्रा ले आना. ठीक है, सबसे पहले आप हमें बताएं लाइफ एट FMC में आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ एट FMC, मैं यही कहूँगा कि इट्स रियली गुड. और ये है कि हमारा FMC का जो अंदर इंटर डिपार्टमेंट है वो सारा बड़ा हेल्पिंग है, और सीनियर जूनियर रिलेशनशिप अच्छा है. बाकियों का मुझे नहीं पता यार कैसा है. का एयर वालों के साथ कैसा है रिलेशन? एयर वालों के साथ कभी कोई मैच वगैरह हो क्रिकेट का तो खेल लेते हैं, वरना ऐसा नहीं है. नहीं तो थेस्पियन होता है उसमें कुछ ना कुछ. एयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ना कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार FMC वाले हमें मुंह ही नहीं लगाते, इसकी क्या रीज़न है आपके ख्याल में? देखें, इसका यही रीज़न है, जो कैपेबल होता है एक दूसरे के कंपेटेबल होता है उसको ही कोई मुँह लगाएगा. अभी कोई ज़ाहिर है कोई दूसरा कंपेटेबल होगा तो उसको कोई मुँह लगाएगा, ऐसे तो वैसे कोई नहीं लगाता ना. इसका मतलब जो बिल्कुल सही पढ़ने वाला पढ़ाकू बच्चा है, जो थीटा है, उसी से आपकी बनती है? पढ़ाकू के अलावा भी है कि नेचर भी तो मैच करनी चाहिए. अब एक बंदा है फुल ड्रग्स ऑन कर रहा है, दूसरा बंदा है पढ़ रहा है, दूसरा बंदा सिर्फ पार्टी लिविंग है, तो ड्रग्स वाले में क्यों जाएगा?
ओके जी, एफएमसी का सबसे चिल बंदा मुझे मिला है तो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जारान कुरैशी। यार मुझे ये बताओ कि इस कॉलेज के सबसे चिल कैसे हो आप? जनरली लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल स्टडीज़ हैं, बहुत टफ है, लेकिन पर्सनली इतना टफ नहीं है। आपकी एक बेसिकली MBBS जो है ना वो पंक्चुअलिटी होती है, आपकी एक रूटीन होती है और आपने वो 5 years के लिए मेंटेन करनी है। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करें तो इट्स नॉट अ बिग डील। कौन सा ईयर चल रहा है? मेरा है सेकेंड ईयर अभी। ये सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर कैसा गुजरा? फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ था, बिकॉज नो हाउ नहीं थी कैसे सब कुछ किस तरह पढ़ना है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। तो अब यानी एज ऑफ नाउ अब यानी सेकंड ईयर बहुत इजी लगती है एज कंपेयर टू। ओके, तो आपके साथ यहाँ पर एयर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर गिटारिस्ट होते हैं, डिफरेंट और लोग होते हैं, तो आपने भी गाने शाने गाए, कुछ ऐसा सीन किया? सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, मैंने पार्टिसिपेट किया है, लाइक विजुअली देखा है उन, और मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ली थी उनसे ज्वाइनिंग की, लेकिन ज़्यादातर इशू अभी ये होता है कि इनके जो इवेंट्स होते हैं ना उस वक्त हमारे कोई ना कोई एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसलिए हम फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा, FMC का अपना तो बहुत छोटा सा एक ब्लॉक है, तो आप लोगों को ये फील होता है कि हमारा बहुत बड़ा ब्लॉक होना चाहिए, खेलने की जगह होनी चाहिए, कुछ इस तरह की? जनरली ये जो ग्राउंड्स हैं ये सारे, ये तो वैसे यानी हमारे भी हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन उस तरह हमारे पास ना टाइम उस तरह नहीं होता कि हम खेलें। हमारे पास यानी हम प्लान करते हैं कि जी हम बैडमिंटन जैसे हमने लास्ट फ्राइडे को खेली थी, तो अब फिर पढ़ाई शुरू हो गई है, अब 2-3 हफ्ते बाद जब एग्ज़ाम या टेस्ट ख़त्म हो जाएगा फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम फिर खेलेंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप खेलने गए और एयर वाले ने कहा हो यार ये हमारी जगह यहाँ पर ना हो? नहीं, एयर वाले भी काफ़ी अच्छे और कोऑपरेटिव हैं, वह ग्राउंड शेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी 2-3 लोग ऑलरेडी यानी टीम्स शेयर कर रही हैं तो फिर यानी आपको यहाँ आपको वापस आ जाना पड़ता है FMC। हाँ, लेकिन जगह काफ़ी है, यहाँ लॉन में खेल लेते हैं, यानी उधर भी फुटबॉल ग्राउंड भी है। कभी कोई एयर का कोई बंदा पसंद आया हो? इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, हमारी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूटीन होती है, सुबह 8 o'clock लेक्चर स्टार्ट होते हैं, अभी बस छुट्टी हुई हमारी तो यहाँ से घर चले जाएंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, वैसे यानी बातचीत जनरल थोड़ी बहुत होती रहती है। अच्छा, मुझे लास्ट पे ये बताएं कि अगर कोई यहाँ पर आना चाह रहा हो तो उसको कोई मैसेज देना चाहिए? एज इन वाई चूज़ FMC? इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है और लाइक यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है, ग्रीन एरिया है सारा, यानी गर्मियों में भी इतनी एज़ कम्पेयर टू मेन पिंडी यानी इतनी गर्मी नहीं होती, चिल वेदर होता है, कैंपस बहुत प्यारा भी है माशाल्लाह, वेरी यूनिक आर्किटेक्चर है इसका और लाइक मज़ा आता है यहाँ पर पढ़ने का। तो आप रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर आओ? रिकमेंड आई कैन, यस, लाइक जनरली 50% जो होता है ना आपकी अपनी मेहनत है और 50% टीचर्स की है, तो यहाँ के टीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा माइल भी जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, खासकर हमारे एनाटॉमी के जो हैं पूरी डिपार्टमेंट है वो पर्सनली मेक श्योर करते हैं, जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा होता है ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं उसे। ठीक है, जस्ट नीड अराउंड कैफेटेरिया, हम लोग का बस यही था कि कैफेटेरिया यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन वेरी नाइस। स्पोर्ट्स के लिहाज से बोलते नॉट मैनी इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स ये लोग वैसे कंडक्ट नहीं करते, सो अगर कोई जूनियर्स बनाएंगे आई टेल देम कि यार यहाँ कोई इवेंट्स इवेंट नहीं होते, पढ़ने तो आ जाओ, बट अदरवाइज नो इवेंट्स। और आप एग्जैक्टली लाइक स्पेशली लाइक जब स्पोर्ट्स की बात होती है, जब उन्होंने हमें ब्रोशर दिया था लाइक दे टोल्ड अस के देयर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, देयर बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द बास्केटबॉल कोर्ट तो ज़्यादातर मोटरसाइकिल पार्क हुई भी होती हैं, और लाइक मतलब कोई ना ट्रिप्स का सिस्टम है एंड ना लाइक सबसे ज़्यादा FMC पे करता है लाइक 11 lakh एक बंदे से लेता है, और लाइक अपना कैफेटेरिया तक प्रोवाइड नहीं किया हुआ और ना कोई लाइक इवेंट अरेंज किया है, लाइक कुछ भी नहीं हुआ। तो जो बास्केटबॉल कोर्ट है उससे हवाले से आपने कुछ मतलब कंप्लेंट वगैरह की है इनको मैनेजमेंट को? बेसिकली की है, लेकिन अब यही बात आती है कि लाइक कोविड प्रिकॉशंस तो उनकी भी बात वैलिड है लाइक, तो चेकमेट हो जाते हैं हम इस बात पे, लेकिन आई थिंक सो दे नीड टू वर्क ऑन दिस। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, मतलब फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह? सी की टू बी ऑनेस्ट बहुत लाइक कोऑपरेटिव है, एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स तो थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन बाकी इट्स रियली गुड, और एयर यूनिवर्सिटी के भी जितने भी टीचर्स हैं दे आर हाईली कोऑपरेटिव। Yeah, same thing, but like we're paying for the basketball court. मगर हम खेल ही नहीं सकते तो पैसे क्यों दे रहे हम? यानी एट द एंड खेलना बास्केटबॉल ही है। नहीं मतलब कुछ तो हो ना, जब आप इतना दिखा रहे होते हैं ओरिएंटेशन में आपने इतने ख्वाब दिखाते हैं कि दिस इज FMC, दिस इज एयर यूनिवर्सिटी, और जब आते हैं तो
आते हैं तो यू टर्न ले लेते हैं। हम एयर यूनिवर्सिटी में देखते हैं ना, एयर यूनिवर्सिटी में इतने क्लब्स बने हुए, इतना कुछ हो रहा है, एयर में भी लाइक बहुत कुछ हो रहा होता है, और हमारे लिए कोई क्लब्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो इट्स लाइक प्रीटी मंडेन। इवन आप एयर यूनिवर्सिटी जाएं, अभी उनका वो हुआ था, आपने शायद देख पता भी होगा, बेरियर गॉट टैलेंट, और लाइक उसमें प्रॉपर लोग आए हुए थे, एंड इस तरह कोई यूथ टैलेंट आता है, बट आई थिंक सो इधर लाइक दे ओनली केयर अबाउट रोबोट्स आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं बस, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता और कुछ है। कल जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कल क्योंकि नया बैच आ रहा है एयर यूनिवर्सिटी में, तो आप उनको क्या मतलब मशवरा देना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट मैं उनको कहूँगा कि डोंट एक्सपेक्ट, मतलब बेसिकली एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट सो यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। और आप क्या देना चाहेंगी? या मैं भी कहूंगी कि देयर इज लाइक नथिंग मच टू डू, अगर पढ़ाई करनी है सो इट्स गुड, बट अदरवाइज नथिंग मच। अगर लाइक मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए कहूं तो इट्स अ गुड कॉलेज, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में से ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लाइक स्पेसिमेंस हो गया वगैरह नहीं है, लेकिन पढ़ाई के अलावा दे नीड अ लॉट टू इम्प्रूव। और आप क्या किसी और को रिकमेंड करेंगे एयर यूनिवर्सिटी के, वो आए एडमिशन लें या नहीं? आई मीन वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज इन इस्लामाबाद, तो बेसिकली हाँ ऑफ कोर्स। अगर और आप? इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, लाइक हम बिल्कुल शहर के दरमियान बैठे हुए हैं, वी कैन गो एनीवेयर वी वांट टू, सो मतलब एक तरह का डेटिंग स्पॉट बन जाता है ये भी। यस, बहुत सारे कपल्स होते हैं। दैट्स इट।